नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक बागला है और आज हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड में स्थित वन्य जीव अभयारण्य और कंजर्वेशन रिजर्व अर्थात संरक्षण आरक्षित के बारे में। ओके, और जैव मंडलीय क्षेत्र कौन से हैं और विश्व धरोहर सूची में कौन से क्षेत्र शामिल हैं, विश्व धरोहर सूची में इनमें कौन से देश सॉरी कौन से क्षेत्र शामिल है। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, नेशनल पार्क हमने कितने पढ़े थे जरा बताइए, राष्ट्रीय उद्यान कितने थे बताइए जरा। यस, वेरी गुड, छह थे। और वन्य जीव अभयारण्य ये है सात, कितने सात, 1 2 3 4 5 6 और 7। रेड वाले जो हैं वन्य जीव अभयारण्य हैं और जो ब्लू वाले हैं 1 2 3 4 ये है कंजर्वेशन रिजर्व, संरक्षण आरक्षित हिंदी में बोलते हैं। ओके, तो वन्य जीव जो अभयारण्य है ये है गोविंद वन्य जीव अभयारण्य उत्तरकाशी, गोविंद वन्य जीव अभयारण्य उत्तरकाशी। ये उत्तरकाशी जिला था, हमने जिले पढ़े थे ना, कौन सा जिला कहाँ पर है, लोकेशन हमने पढ़ी थी, तो ये क्या था, उत्तरकाशी। तो गोविंद वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है, उत्तर काशी में। और इसकी स्थापना हुई, या कह सकते हैं कि भारत सरकार ने इसकी घोषणा की 1955 में। कब बनाया इसको, 55 में। और मुख्य रूप से यहाँ का जो वन्य जीव है जिसके लिए बनाया गया संरक्षण के लिए, मुख्य रूप से कौन सा है, स्नो लेपर्ड, स्नो लेपर्ड। ओके, स्नो लेपर्ड। अब देखिए, यहाँ पर गोविंद नेशनल पार्क भी है बड़ासू घाटी के पास। ओके, गोविंद नेशनल पार्क भी ही है। गोविंद नेशनल पार्क कब बना बताइए जरा बताइए। यस, 600 600 नहीं, 80 80 किसमें, 80 में गोविंद नेशनल पार्क कब बना बताइए जरा। यस, 1980 में। और ये कब बना, 55 में। देखिए, अभयारण्य छोटा है, पहले ये छोटा बना, छोटा क्षेत्र, जब छोटा क्षेत्र बना क्या था, वन्य जीव अभयारण्य, अभी भी वन्य जीव अभयारण्य है। और जब और विस्तार इसका कर दिया गया तो उसको क्या बना दिया गया, नेशनल पार्क। तो गोविंद नेशनल पार्क के अंदर ही गोविंद वन्य जीव अभयारण्य है, क्लियर। तो गोविंद वन्य जीव अभयारण्य अगर आपसे पूछा जाए तो आपको आंसर करना है 55, और गोविंद नेशनल पार्क अगर करना है तो आपका आंसर होना चाहिए 80। क्या होना चाहिए, 80। ओके, क्या होना चाहिए, 80, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, यह है केदारनाथ, यह रुद्रप्रयाग है, रुद्रप्रयाग है, रुद्रप्रयाग में केदारनाथ मंदिर है, सबको पता है। तो केदारनाथ मंदिर से जो ऊपर वाला क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है यह है केदारनाथ वन्य जीव अभयारण्य। कौन सा है, केदारनाथ वन्य जीव अभयारण्य। और ये कहां तक फैला हुआ है, कहां तक फैला है, रुद्रप्रयाग और चमोली तक। कहां तक फैला है, रुद्रप्रयाग से लेकर कहां तक फैल गया, ये चमोली तक। और ये सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है, सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य उत्तराखंड का केदारनाथ। सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा है मसूरी, मसूरी वन्य जीव अभयारण्य। कौन सा, सबसे छोटा है मसूरी। इसका जो क्षेत्रफल है मात्र 11 वर्ग किलोमीटर है, इसका है 975, इसका कितना है 975 और इसका कितना है 11। ओके, तो सबसे बड़ा कौन सा हुआ, रिप्लाई कीजिए एक बार। यस, केदारनाथ। सबसे छोटा कौन सा हुआ, मसूरी। इसका दूसरा नाम, इसको विनोग भी कहते हैं, विनोग माउंटेन क्वेल भी बोलते हैं, विनोग माउंटेन क्वेल वन्य जीव अभयारण्य या मसूरी वन्य जीव अभयारण्य। तो गोविंद हो गया, केदारनाथ हो गया, विनोग हो गया, सबसे बड़ा सबसे छोटा। इसका जो क्षेत्रफल है 975 है, 975। कई जगह बुक में क्या लिखा है, 957 लिखा है, लेकिन अगर आप गूगल पर सर्च करें तो ये 975 शो करेगा, कितना, 975। ओके, और केदारनाथ वाले की जो स्थापना हुई वो हुई 72 में, 72 याद कर लीजिए, 72। यस, 72 कब, 72 यानी कि जब प्रोजेक्ट टाइगर 73 से शुरू हुआ, 72 में घोषणा हुई, तो प्रोजेक्ट टाइगर जब शुरू हुआ तभी से कौन सा है, तभी ये बना। ओके, तो केदारनाथ कब बना, 72 में बना, गोविंद वन्य जीव अभयारण्य कब बना, 55 में बना। और
विनोद या मसूरी कब बना? 93 में बना। कब बना? 93 में। 55, 72, 93, ओके, ये 93 बना। आगे बढ़ते हैं, इसको पढ़ लेते हैं, 86, 87, 88 ऐसे पढ़ लेते हैं इसको। तो ये है अस्कोट। अस्कोट कहाँ है? पिथौरागढ़ में। अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? पिथौरागढ़ में। और मुख्य रूप से इस अभ्यारण्य को बनाने का उद्देश्य क्या था? कस्तूरी मृग को बचाना, और भी सभी जीवों को बचाना है, लेकिन मुख्य रूप से किसको संरक्षित करना? कस्तूरी मृग को। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा कस्तूरी मृग है, कितने हैं? लगभग 67, अब शायद बढ़ गए होंगे, लेकिन जो पुराने आंकड़े हैं उसके हिसाब से 67 है, ओके। अस्कोट ये बना 86 में। अब आ जाओ इधर, ये है सोना नदी। सोना नदी, सोना नदी वन्य जीव अभ्यारण्य, यहाँ एक नदी बहती है उसका नाम सोना नदी है, तो उसी के नाम पर इसका नाम पड़ गया, सोना नदी वन्य जीव अभ्यारण्य, ओके। और यहाँ ये समझ लीजिए, जो राजाजी नेशनल पार्क है और कॉर्बेट नेशनल पार्क है उसके बीच में है। राजाजी नेशनल पार्क, ये वाला राजाजी नेशनल पार्क, और कौन सा? कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीच में यहाँ सोना नदी बहती है। और इसका जो मुख्य वन्य जीव वो है पाइड हॉर्नबिल। कौन सा? रिप्लाई कीजिए, पाइड हॉर्नबिल, ओके। अस्कोट वाला कब बना? 86 में। ये कब बना? सोना 87, सोना 87, अस्कोट 86, सोना 87, बिंसर 88। बिंसर कहाँ है? ये कौन सा, ये क्या है बताइए जरा? यस, अल्मोड़ा। ये क्या है? नैनीताल। ये क्या है? उधम सिंह नगर। ये क्या है बताइए? यस, बागेश्वर। तो अल्मोड़ा में बिल्कुल उत्तर की तरफ, ये क्या है? बिंसर वन्य जीव अभ्यारण्य, तो बिंसर 88। तो अस्कोट 86, 87, 88, 86, 87, 88 याद हो जाएगा आराम से। 86 अस्कोट, 86 सोना, 87 बिंसर, 88 86, 87, 88, ओके। एक और बना जो सबसे लेटेस्ट है, सबसे बाद में बना, वो है नंदौर। यहाँ नंदौर नदी भी बहती है, देखिए नंदौर नदी भी गुजरती है इधर से, तो कौन सा हो गया? नंदौर वन्य जीव अभ्यारण्य। कौन सा? रिप्लाई कीजिए, नंदौर। यस, ये दोनों से देखो, दोनों से टच हो रहा है, दोनों जिलों से, नैनीताल से भी है, उधम सिंह नगर से भी है। क्लियर, नैनीताल से भी है और उधम सिंह नगर से भी ये टच है। और ये सबसे बाद में बना, लेटेस्ट बना, ये 2012 में बना। कब बना? 2012 में इसकी घोषणा हुई, 2012 में बना नंदौर 12 में। गोविंद कब बना बताइए? 55। गोविंद कब बना? 55। और केदारनाथ कौन सा प्रोजेक्ट शुरू हुआ था बताइए जरा, बताइए। यस, प्रोजेक्ट टाइगर, यानी कि 72, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर की घोषणा 72 में हुई, शुरू 73 में हुआ, तो उसके आसपास मान लीजिए आप इसको। तो केदारनाथ 72। मसूरी वाला बताइए जरा, यस 93, वेरी गुड। अस्कोट वाला बताइए जरा, बताइए, यस 86। सोना नदी 87 और बिंसर 88 और नंदौर 2012, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ओके। तो ये सारे के सारे याद हो गए, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए जो नेशनल पार्क के साथ आपको कंफ्यूज करेगा वो केवल ये वाला है, गोविंद नेशनल पार्क कब? 80 में, और ये वाला कब? 55 में। तो पहले ये बना, बाद में फिर बड़े क्षेत्र को घोषित कर दिया नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान। अब पढ़ते हैं कंजर्वेशन रिजर्व। कंजर्वेशन देखो, दो तो आपको नैनीताल में मिल रहे हैं, दो नैनीताल में मिल रहे हैं, और दो कहाँ हैं? यहाँ देखिए, यहाँ से शुरू करते हैं, आसन। यहाँ मैंने बताया था जब हमने नदियाँ पढ़ी थी, यहाँ कौन सी नदी बहती है? ये इधर मिलती है जो यमुना में, आसन नदी। यहाँ आसन बैराज भी है, तो आसन नदी मिल रही है। ऊपर से कौन सी नदी आ रही है बताइए जरा? यस, यमुना। कौन सी? यमुना। ये टोंस आ रही थी यहाँ पर, फिर यहाँ कालसी के पास यमुना नदी मिली, तो यमुना हो गई, और फिर ये यहाँ पर आसन बैराज के पास कौन सी नदी मिल रही है? आसन बैराज और यमुना मिल रही है। तो आसन है 5 का, आसन जो है 5 में बना। आसन जो है कंजर्वेशन रिजर्व कब बना? 5 में, ओके। आसन कब बना? 5 में, ओके। आगे बढ़ते, झिलमिल। झिलमिल बना 12 में, यानी कि जब नंदौर बना, नंदौर वन्य जीव अभ्यारण्य बना, झिलमिल 12, झिलमिल भी 12 और पावलगढ़ भी 12। झिलमिल 12, पावलगढ़ 12, नंदौर 12। झिलमिल 12, पावलगढ़ 12 और नंदौर भी 12, तीनों का एक ही सन है। और झिलमिल है हरिद्वार में है,
झिलमिल हरिद्वार में है और यहाँ ये स्वाभाविक है राजा जी नेशनल पार्क में ही होगा ये। और जो झिलमिल है यहाँ ये है, यहाँ पर 12 सिंगे हैं। क्या है? 12 सिंगे ज़्यादा, ओके, उसको मुख्य रूप से संरक्षित करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, देखिए पावलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व। अगर आप नैनीताल को देखें तो यहाँ लगभग रामनगर है, कार्बेट का प्रवेश द्वार है जहाँ ढिकाला में, तो यहाँ क्या है, रामनगर है, यहाँ है काला डोंगी। तो रामनगर और काला डोंगी के बीच एक नदी बहती है दाबका, पढ़ा था ना हमने नदियों के बारे में जब, ये भी पढ़ी थी। तो रामनगर और काला डोंगी के बीच एक नदी बहती है, क्या है, दाबका। और दाबका के पास ही क्या है, पावलगढ़। तो ये वाला जो क्षेत्र है ये कौन सा हो गया, पावलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व। और ये कब बना, 12। झिलमिल कब बना, 12। और नंदोर कब बना, 12 नेशनल पार्क, वो है सॉरी वन्य जीव अभ्यारण्य। और एक और है नैना देवी हिमालयी बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व। नैना देवी नैनीताल में, नैना देवी हिमालयी बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व। और पूरे भारत में जो पक्षियों की 1263 प्रजातियां हैं उसकी लगभग 50% यानी के 600 प्रजातियां कहाँ मिलेगी, यहीं मिलेगी। कहाँ? नैना देवी हिमालयी बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व में, ओके, नैना देवी हिमालयी बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व, नैना देवी हिमालयी बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व, ये कहाँ है, नैनीताल में, ओके। आगे बढ़ते हैं, हो गया चार हो गए, तो 7 ये हो गए वन्य जीव अभ्यारण्य और 4 क्या हो गए, कंजर्वेशन रिजर्व। अब पढ़ते हैं उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान। उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान जो है, उच्च स्थलीय अगर पूछे, उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान जो है वो है गोविंद वल्लभ पंत उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान कहाँ है, नैनीताल में है। कहाँ है, नैनीताल में है। और इसकी स्थापना हुई 95 में, 95 याद कर लीजिए, 95 उच्च स्थलीय याद कर लीजिए, उच्च स्थलीय आए तो 95 में, ओके। और इसका क्षेत्रफल मात्र 5 वर्ग किलोमीटर, कितना, 5 वर्ग किलोमीटर, और नैनीताल में है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अब कुछ पढ़ते हैं जैव आरक्षित जैव मंडलीय क्षेत्र और विश्व धरोहर में कौन कौन से शामिल है। तो नंदा देवी जैव मंडलीय जो सुरक्षित क्षेत्र है, नंदा देवी जयमंडलीय सुरक्षित क्षेत्र जो है 88 में घोषित हुआ, भारत सरकार ने कब घोषणा की इसकी, 88 में। और ये रहा देखिए, यहाँ नंदा देवी नेशनल पार्क है, नंदा देवी नेशनल पार्क यहाँ है, और बड़ा एरिया उसका कर दिया तो क्या बन गया, नंदा देवी जयमंडलीय क्षेत्र। इसका क्षेत्रफल कहाँ कहाँ तक है, चमोली पिथौरागढ़ बागेश्वर, ओके। और सरकार ने इसको कब घोषित किया, 1988। और जो नेशनल पार्क था नंदा देवी, इसका क्षेत्रफल बताइए जरा, हमने याद किया था, यस 624 था एक्चुअली, लेकिन हमने लगभग याद किए थे तो 620 हमने याद किया था, जहां तक मुझे याद आ रहा है। इसका कितना था, 620, ओके। नंदा देवी और फूलों की घाटी एक साथ था ना, 87 उसका था फूलों की घाटी का, तो 620 था इसका जो हमने याद किया था। और ये कितना है, 5800, ये 5860 है लेकिन अप्रोक्स लिख दिया मैंने, तो ये है 5800, वो कितना था, 620। तो समझ रहे हैं, नेशनल पार्क अंदर आ गया और उससे भी बड़ा, नेशनल पार्क से भी बड़ा क्या घोषित कर दिया, नंदा देवी जैव मंडले संरक्षित क्षेत्र। तो अभ्यारण्य छोटा, अभ्यारण्य किसके अंदर है, नेशनल पार्क है, और नेशनल पार्क को किसके अंदर कर दिया, नंदा देवी जैव मंडलीय संरक्षित क्षेत्र, ओके। तो इसकी घोषणा हुई 88 में, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, 88 याद कर लीजिए, 88 में इसकी घोषणा की, ओके, जैव मंडलीय क्षेत्र की 88 में, उत्तराखंड में जो है। और नंदा देवी नेशनल पार्क की स्थापना भी कब हुई, नहीं
नंदा देवी नेशनल पार्क को विश्व धरोहर सूची में यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया? 88 में। कब शामिल किया? 88 में। क्लियर? कब शामिल किया? 88 में। कब शामिल किया? 88 में। अच्छा एक बात बताइए, जो नेशनल पार्क बना था नंदा देवी नेशनल पार्क, कब बना था जरा बताइए जरा। 82। यस, नंदा देवी नेशनल पार्क कब बना? 82। फूलों की घाटी भी 82 पढ़ा था ना हमने, नंदा देवी नेशनल पार्क 82, फूलों की घाटी 82, और फिर उसको कर दिया जैव मंडलीय संरक्षित क्षेत्र, ये कब हुआ? 88। क्लियर? 88। और नंदा देवी नेशनल पार्क को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया? कब शामिल किया? 88 में। यानी कि जब जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र इसको घोषित किया तभी नंदा देवी नेशनल, देखिए नंदा देवी यहां तो बन रहा है जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र, भारत सरकार घोषणा कर रही है, और इसी वर्ष नंदा देवी नेशनल पार्क को, इसी वर्ष नंदा देवी नेशनल पार्क को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल कर रही है। और नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? 1982 में। कहानी क्लियर हुई? नेशनल पार्क बना 82 में, विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ 88 में। ओके, और 88 में क्या हो गया, इसको जैवमंडलीय क्षेत्र भी घोषित कर दिया, तो जैवमंडलीय और विश्व धरोहर का सन दोनों का एक हो गया। ओके, और फूलों की घाटी जो शामिल हुआ वो हुआ 2005 में। फूलों की घाटी का अगर सन पूछे तो यस 82 जो इसका था वो इसका दोनों का सेम था ना, इसका भी 1982 था। ओके, नेशनल पार्क। ओके, लेकिन ये हुआ कब? 5 में। कब? 5 में। ओके जी, 2005 में क्या घोषित हुआ? विश्व धरोहर सूची में ये शामिल हुआ। क्लियर? एक बार और इस वीडियो को देखिए। ओके, और फिर जो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, प्रश्न बोल रहा हूं, आप उनके उत्तर देना। ओके, उत्तराखंड के उत्तराखंड में कितने वन्य जीव अभयारण्य हैं? उत्तराखंड के नेशनल पार्कों की संख्या बताइए। उत्तराखंड में कितने कंजर्वेशन रिजर्व हैं? गोविंद वन्य जीव अभयारण्य कब बना? गोविंद नेशनल पार्क कब बना? नंदा देवी नेशनल पार्क कब बना? नंदा देवी नेशनल पार्क कब बना? ओके, नंदा देवी जैव मंडलीय संरक्षित क्षेत्र भारत सरकार ने कब घोषित किया? ओके, नंदा देवी नेशनल पार्क को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? क्लियर? मसूरी वन्य जीव अभयारण्य का दूसरा नाम बताइए। केदारनाथ वन्य जीव अभयारण्य किन जिलों में फैला है? अस्कोट, सोना नदी और बिनसर। अस्कोट, सोना नदी और बिनसर वन्य जीव अभयारण्य के बनने के वर्ष बताइए। ओके, इनका वर्ष बताना है। कौन सा? पहला अस्कोट, सोना नदी और बिनसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। झिलमिल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है और यहां मुख्य रूप से किस वन्य जीव का संरक्षण किया जाता है? संरक्षण सभी का होता है लेकिन मुख्य एक जीव। ओके, नैना देवी हिमालय बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व कहां पर है? नंदा देवी
जैव मंडलीय संरक्षित क्षेत्र किन जिलों में फैला है? पावलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व से कौन सी नदी गुजरती है? सबसे अंत में बने वन्य जीव अभयारण्य का नाम बताइए। झिलमिल वन्य जीव अभयारण्य, पावलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य और नंधौर, नहीं, सॉरी, गलत हो गया, झिलमिल कंजर्वेशन रिजर्व, पावलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व और नंधौर वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना, मतलब की स्थापना कब हुई? केदारनाथ वन्य जीव अभयारण्य का क्षेत्रफल बताइए। नंदा देवी जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र का क्षेत्रफल बताइए। फूलों की घाटी को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? उत्तराखंड का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य बताइए। उत्तराखंड के सबसे छोटे वन्य जीव अभयारण्य का क्षेत्रफल बताइए। ओके, तो आप पहले प्रश्न का उत्तर देने से पहले एक बार इसको वीडियो को फिर दोबारा देख लेना और सब उत्तर मैं आशा करता हूं सभी सही होंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको बढ़िया से तैयार हो जाएगा। हाँ, अंत में मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए कई बार क्या होता है, पढ़ाई करते 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 क्या होते हैं, हम लोग बोर हो जाते हैं। पढ़ाई करते करते क्या हो जाते हैं, बोर। तो आपको मेरा एक सुझाव है, आपको जो रूटीन बनाना है, रूटीन में ऐसा भी एक विषय कुछ देर उसको भी समय दे जिसमें आपकी रुचि है, जिसमें आपको मजा आए। ठीक है ना, फिजिकल एक्टिविटी अगर करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि पढ़ाई करते करते कई बार क्या होता है, फिजिकली हम वीक हो जाते हैं। ठीक है ना, तो आप 30 मिनट कम से कम ऐसे भी किसी विषय को दीजिए, स्पेंड कीजिए उसमें, जिसमें आपकी रुचि हो, जिसमें आपको मजा आए, जिसमें आप एंटरटेन करें, जिसमें आप इंजॉय करें। उससे क्या होगा, आप स्टडी से क्या होंगे, बोर नहीं होंगे, और जो बहुत ही ज़रूरी है बोर ना होना। ओके, आप बोर होंगे तो क्या है, बुक आपके सामने होगी, मन नहीं लगेगा, मजा नहीं आएगा, टाइम वेस्ट होता रहेगा। तो इससे अच्छा है थोड़ा टाइम वेस्ट, थोड़ा जो टाइम है किसमें स्पेंड कर लें, अपने एंजॉयमेंट में, एंटरटेनमेंट में, मूड को फ्रेश करने में। लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, मात्र 30 मिनट, ऐसा नहीं कि 30 मिनट से हो गया फिर लंबा खींचिए। ओके, मात्र मेरा यही आपसे कहना था। तो आज के डिस्कशन का समापन करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट विषय के साथ। और इसी के साथ नमस्कार और जय हिंद, जय भारत।